शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक करीब 4.25 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर भेज दिया गया है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें कहा है कि मंगलवार की रात तक 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता अपने घरों में पहुंच जाएंगे। अनिल देशमुख ने कहा कि 19 मई को रात 9 बजे तक महाराष्ट्र में 4,26,778 मजदूरों के लिए 320 ट्रेनें जारी की गई है। इनमें से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 51, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 45, पुणे से 32, बोरीवली से 25, बांद्रा टर्मिनस से 22 और पनवेल से 21 ट्रेनें चलाई गई। देशमुख ने कहा कि इन सभी श्रमिकों की ट्रेन यात्रा की पूरी लागत महाराष्ट्र सरकार द्वारा वहन की जा रही है। महाराष्ट्र में बहुत बड़ी तादाद में श्रमिक भाई लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको अपने अपने राज्य में भेजने के लिए कल रात तक हमने 325 रेलगाड़ी रवाना की थी। आज करीबन और पूरे दिन भर में 60 रेलगाड़ी रवाना होंगी, उसमें करीबन 5 लाख के ऊपर हमारे श्रमिक भाई अपने अपने राज्य में जाएंगे। उसमें मुंबई से ट्रेन रवाना हुई है, पुणे से हुई है, नासिक से हुई है, नागपुर से, हर एक डेस्टिनेशन से ट्रेनें रवाना हुई है। इसमें करीबन उत्तर प्रदेश के लिए 187 ट्रेन, बिहार के लिए 44, मध्य प्रदेश के लिए 30, राजस्थान के लिए 13, झारखंड अभी सभी स्टेट के लिए ट्रेनें रवाना हुई है। मुंबई में आप सभी को बताया कि बड़ी तादाद में यहाँ पे बंगाली हमारे भाई भी रहते हैं, खास करके झवेरी बाजार और बाकी इलाके में, उनके लिए भी ट्रेनें जाना चाहिए, उसके लिए भी हमारा प्रयास चालू है। हमारी लगातार वेस्ट बंगाल सरकार से बातचीत हो रही है। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो भी श्रमिक हमारे भाई लोग अपने अपने राज्य में ट्रेन से जा रहे हैं, उसका सभी का टिकट का खर्चा महाराष्ट्र शासन ने किया है। उसी प्रकार और एक गुजारिश मैं आपको करना चाहता हूं, सभी श्रमिक भाइयों को, जहां जहां पे लीज बनाना चालू है, जहां जहां से ट्रेनें जा रही है, आपको लोकल प्रशासन से फोन आने के बाद ही आप रेलवे स्टेशन पहुंचिए, ताकि वहां पे कोई किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, उसका भी आपने ख्याल रखना चाहिए। उसी प्रकार खास करके मुंबई में जहां पे करीबन 93 पुलिस स्टेशन है, वहां पे हमारे डीसीपी और बाकी लोग उनकी यादी अभी तक बना रहे थे। आज राज्य शासन ने एक निर्णय जाहिर किया, उसमें जो हमारे मंत्रालय के कर्मचारी है जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनकी भी वहां पे ड्यूटी हमारे पुलिस लोगों के साथ में, ये सभी श्रमिक भाइयों की लीज बनाने के लिए उनकी आज से ड्यूटी लगने वाली है, ताकि हमारे पुलिस भाइयों को थोड़ी विश्रांति मिले, उसके लिए इस प्रकार का निर्णय राज्य शासन ने लिया है।